बुधवार को कांगड़ा से बैजनाथ, पपरोला व जोगिंदरनगर तक रेल इंजन के सफर रहे ट्रायल के बाद अब रेलगाड़ियों की आवाजाही भी शुरू होगी, जिसमें सैकड़ों रेल यात्री सस्ते सफर का लाभ उठाएंगे। करीब 5 माह पहले कोपरलाहड और ज्वालाजी रोड के नजदीक रेलवे लाइन भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद रेलगाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई थी। इससे नूरपुर से जोगिंदरनगर तक सभी रेलवे स्टेशन सुनसान हो गए थे। रेल यात्रियों को रेलगाड़ी में सस्ते सफर का लाभ नहीं मिल पा रहा था। दिसंबर माह में रेलगाड़ियों को शुरू करने की कवायद शुरू हुई थी और अब रेलवे स्टेशनों में रेल इंजन के सफल ट्रायल के बाद रेलगाड़ियों की आवाजाही का रास्ता भी प्रशस्त हो गया है। बुधवार को जोगिंदरनगर ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन में जैसे ही रेल इंजन पहुंचा तो अचानक लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। इस दौरान रेलवे विभाग के अधिकारियों ने रेल इंजन के चालकों और तकनीकी कर्मचारियों को स्टेशन में रेलगाड़ियों की आवाजाही की अपडेट दी।